साहिवाल पंजाब हुकूमत की हिदायत पर आवाम के रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल के फौरी अजाला के लिए जिला कौंसिल हाल में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनाकाद किया गया। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने कचहरी में आए साइलीन के मसाइल सुने और इन्हें हल करने के लिए मौका पर ही अहकाम जारी किए। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर कोआर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, ADCR तारिक हुसैन भट्टी, असिस्टेंट कमिश्नर उसामा शारून, तहसीलदार कानगो और हल्का पटवारी भी मौजूद थे। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने कहा कि रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का मकसद अवाम के मसाइल का फौरी अजाला करना है। उन्होंने कहा कि सरकारी दफातर का मकसद लोगों के काम करना और उनकी जिंदगी में आसानियां पैदा करना है। उन्होंने रेवेन्यू स्टाफ को हिदायत की कि अवाम और महकमा रेवेन्यू के दरमियान एतमाद को बहाल किया जाए और इसमें हायल तमाम रुकावटों को दूर किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि रेवेन्यू के अफसरान अपने दफातर में रिकॉर्ड को चेक करें और अरसा दराज से जेरे अल्तवा केसेस को फौरी निपटाएं। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी के पहले रोज 38 दरख्वास्तें मौसूल हैं, जिनमें डोमिसाइल फर्द का अजरा, इंतकाल का इंदराज, रिकॉर्ड की जांच पड़ताल और दीगर केसेस शामिल हैं।